देश च मानसून अलविदा आखन की कगार से है। इसके बावजूद भारतीय मौसम विभाग ने 16 तो 18 अक्टूबर तक 10 सूबों के भारी मीह की चेतावनी जारी की है। IMD के अनुसार दक्षण पछमी मानसून अगले 2 दिनों के गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों, बिहार और झारखंड तो हटन की संभावना है। हालांकि बहुत सारे राज्य खास करके दक्षणी प्रायद्वीप भारत में भारी मीह जारी रहने की संभावना है। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ इलाकों भी बारिश हो सकती है। इस दौरान बंगाल की खाड़ी के एक बार फिर हलचल बढ़ गई है। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि घट दबाव वाला सिस्टम सोमवार तक चक्रवात में बदल जाएगा। इधर आंध्र प्रदेश के गृह मंत्री ने गृह और आफत प्रबंधन विभाग के अधिकारियों को संभावित प्रभावों लिए चौकस रहन और तैयार रहने के निर्देश दिए हैं, जिस कई जिले जिमें कि बापटला, प्रकाशम, नहरोल, कुरनूल और नंदियाला में दरमियानी तो भारी बारिश होने की संभावना है। इस चक्रवात का असर बंगाल तो बिहार तक देखने को मिलेगा। दक्षिणी राज्यों लिए IMD की भविष्यवाणी अनुसार तमिलनाडु और पुडुचेरी 15 अक्टूबर तक, केरल में अगले 6 दिन, आंध्र प्रदेश 14 तो 16 अक्टूबर तक भारी मीह रहेगा। कर्नाटक 14 अक्टूबर तक मीह पवेगा, जबकि तमिलनाडु और केरल भी 14 और 15 अक्टूबर में बहुत भारी मीह पै सकता है। नाल ही गल जेकर गुजरात की करिए, गुजरात के कुछ थावां ते भारी बारिश होने की संभावना है। कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, पूर्वी मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ च कुछ थावां उत्ते हल्की तो दरमियानी बारिश हो सकती है। अज दिल्ली दे विच अंशक तौर पर बदल छाए रहणगे ते वध तो वध तापमान 34 डिग्री सैलसीयस अते घट तो घट तापमान 19 डिग्री सैलसीयस रहेगा। मौसम विभाग मुताबिक 18 अक्टूबर तक कुछ थावां उत्ते हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग अनुसार अगले 6 दिनों तक सूबे के उत्तरी अते दक्षिणी हिस्सों में मौसम खुश्क रहेगा। रात के तापमान दे विच हौली हौली गिरावट आने की संभावना है, जबकि दिन के तापमान दे विच थोड़ा वाधा हो सकता है, जिस दे नाल नमी दे विच वाधा होगा। पछमी हवावां दे आउण कारण ठंड का माहौल बन रहा है। दिवाली अते छठ के त्यौहार के आस पास ठंड शुरू हो सकती है।